पंजाब कैबिनेट की अजोही मीटिंग तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लए गए फैसलों बारे जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 645 लैक्चरों की भर्ती की जाएगी, गन्ने का मुल 380 रुपये प्रति कुंटल किया गया है। उन्होंने भी कहा कि 20 नवंबर तो हूँ खंड मिलना शुरू होगियां, इस ही सरकारी कॉलेजों प्रिंसीपलों नियुक्तियां करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट की पंजाब की मीटिंग हुई है ते जिदे विच कुछ अहम फैसले ले गए ने, मैं उन्होंने बारे थानू जानकारी देनी चाहना क्योंकि पारदर्शिता की गरंटी दे के आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी है वह आई है पंजाब च। विधानसभा दे विच भी असी लाइव सैशन जिहड़ा चलता है ताकि पत्रकारां नूं किसी सोर्स तो जां कितों इधरों उधरों यह ना पुछना पवे अज विधानसभा च की होया की ने की बोलिया, वह सब कुछ तुसी लाइव देख रहे हो। नॉट ओनली पत्रकार, सारी दुनिया च पंजाबी बैठे ने, वह विधानसभा की कार्रवाई में देखते हैं कि साढ़े चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े ने वह उत्थे की कर रहे ने, किहड़े मुद्दे उठा रहे ने, जनहित के मुद्दे उठा रहे ने जां नहीं, जां कोई फिर टाइम खराब कर रहे ने, जां कोई शोर शराबा हो रहा, सब लोगों के सामने जांदा ताकि लोगों नूं अपने प्रतिनिधि नूं पुछण दा मौका मिले कि साडे नाल जिहड़े वादे होए सी उहनां दा की बणे। अज दी कैबिनेट दे विच गन्ने दा नोटिफिकेशन जिहड़ा है, गन्ने दी फसल दा वो अप्रूव होया, जिस तरह से मैं पहला कहा सीगा 305 रुपये सरकार दे रही है सेंटर दी पर क्विंटल, तो 50 रुपये पंजाब गवर्नमेंट पा रही है उस, तो 25 रुपये शुगर मिल्स पा रही है, 380 रुपये पर क्विंटल का भाव जिहड़ा है वो आने वाली फसल का किसानों नूं मिलेगा, जो कि देश दे विच सब तो ज़्यादा भाव है। इतिहासिक गल ये भी है कि पहली बार होया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने गन्ने वालों का कोई जिहड़ा पैसा नहीं देना, असी सारी अपनी जिहड़ी पेमेंट है वो क्लीयर कर चुके हैं, किसान यूनियन नाल मीटिंगां भी होईयां सी। बहुत सारिया मिलों के भी पैसे क्लीयर हो रहे हैं, असी उन्होंने मिलों वाले भी अलग बिठा के गल की है क्योंकि गन्ने की फसल ये वो फसल है जी एक साल एक ही फसल होंगी है, सो यदा मतलब जे नहीं पेमेंट मिलेगी टाइम पर तो समझ लो साल उस जमीन का जोड़ा नुकसान हो जाएगा कि वेली रहेगी, समझ लो जो पेमेंट नहीं मिली। 20 तरीक तो गन्ना मेला शुरू हो जाएगी ते जी इस बार की पेमेंट है गन्ना मेला ना गल हुई है वो रूल मुताबक, वैसे 14 दिन का रूल है पर असी उन्होंने कहा भी एज अर्ली एज पॉसीबल वो जी पेमेंट है जी उन्होंने खात्या पैनी चाहिए है। ट्रालिया दंबिया लैना जब जो पहला परची सिस्टम चलता सी कि MLA तो परची ले लो उ ट्राली अंदर जाऊगी, वो सिस्टम नहीं चलना। सो गन्ना मिलों ने खुद भिजवाया हों गन्ना, उन्होंने पता हों कि गन्ना आ रहा। सो 20 तरीक तो मिल जो चलन गए। दूजा जोड़ा अहम फैसला होया 645 जोड़े लैक्चरर ने कॉलेजों के उन्होंने जड़िया खाली सामिया थे उन भर्ती जी है वो की जाऊगी। 645 लैक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर भी कह दें, लैक्चरर जोड़े ने रखा जाऊगा जो एलिजिबल ने बकायदा टैसट लैके जो भी डिजर्व करते हैं उन्होंने नौकरी पर रखा जाऊगा। तो 16 सरकारी कॉलेजों के प्रिंसीपल जिहड़े ने उन्हां दी असामियां भरनियां ने, जिन्हां दी एज लिमिट पहलां 45 साल सी
पर कैबिनेट ने फैसला किया कि वो एज लिमिट बता के 53 साल कर दी जाए। तो कई बार कोई लेट PhD करते हैं या डिग्री लेंदे ने और ये सारी PPSC राही होगा जिहड़ा ये सारा भर्ती सिस्टम है। सो 45 साल तो बढ़ा के 53 साल प्रिंसीपल दी 16 कॉलेजां सरकारी कॉलेजां दी जिहड़ी नियुक्ति दा फैसला लिया गया। इस तो अलावा जिन्नियां भी रजिस्टर्ड गऊशाला ने पंजाब 31 अक्तूबर तक दे उन्होंने सारे पुराने बिजली के बल बिल जिहड़े ने माफ़ किए हैं। उस तो बाद उन्हां नाल बह के डिस्कस करांगे किन्नियां गऊ मिल ऐसियां ने जिहड़ियां सैल्फ डिपेंडेंट ने, किन्नियां गऊ मिल ऐसियां ने जिन्हां दा खर्चा पूरा नहीं हुंदा ताकि आवारा पशु भी जिहड़े सड़कां ते घूमदे ने हर रोज़ बहुत सारे हादसों का कारण बनते हैं। पशुओं की जान भी जाती है, इंसानों की भी जाती है। गऊशाला के जिहड़े प्रबंधक ने उन्होंने गल करके वध तो वध जिहड़े आवारा पशु ने गऊशाला दे विच जाण ते उन्होंने जिहड़ियां दिक्कतां वह भी सुनेंगे। सो 31 अक्तूबर तक के PCS PCL के जिहड़े सारे बिल ने उन्होंने वो भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।